क्या मीरा रोड लोकेशन में फ्लैट लेना ठीक है? क्या मीरा रोड लोकेशन में पानी की प्रॉब्लम है? क्या मीरा रोड लोकेशन में इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है? क्या यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं आता? यहाँ पर लोगों के रहने के हिसाब से सुविधाएं नहीं है? क्या मीरा रोड लोकेशन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा देगा? या फिर मैं यहाँ पर फ्लैट खरीदूँ तो मेरे को उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा? अगर आप ऐसे क्वेश्चन से घिरे हुए हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने। क्या ये कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया है? क्या यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रहने के हिसाब से? क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है? आज मैं किसी फ्लैट के बारे में बात नहीं करूँगा, किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करूँगा, किसी बिल्डिंग के बारे में बात नहीं करूँगा। फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, क्या क्या मिथ घूमते हैं मार्केट में, क्या सच्चाई है मार्केट में रहने के हिसाब से, चाहे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है क्या मीरा रोड, क्या यहाँ पर 24/7 वाटर है, मिथ्स अबाउट मीरा रोड। दोस्तों, हम लोग ने पिछली वीडियो में बातचीत की कि मीरा रोड लोकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मिथ्स हैं और क्या क्या सच्चाई है, तो उस लोकेशन के बारे में हम लोग ने डिटेल में बातचीत की। 5 टॉपिक पे हम लोग ने बात किया है और 5 टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। 5 टॉपिक थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जो कि नहीं है और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है टाटा अडानी। दूसरा, वाटर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, 24/7 वाटर के भी ऑप्शन है, स्केड्यूल्ड वाटर के भी ऑप्शंस हैं। तीसरा है कनेक्टिविटी और मुंबई, मतलब कनेक्टिविटी कैसी है मुंबई से और थाने से, आपको दोनों कनेक्टिविटी मिल जाती है, मीरा भाईंदर से भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। टोल नाके का भी है सिस्टम, तो टोल नाके का सिस्टम ऐसा है कि जो आगे चल के हटेगा नहीं हटेगा उसके ऊपर थोड़े बहुत इशूज़ हैं, मतलब उसके ऊपर थोड़ी बातचीत है, कुछ फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो डू शेयर, बट अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं हटने के ऊपर, बट हाँ एक्सपेक्टेड है। और सिचुएशनशिप के हिसाब से अगर मैं बात करूँ या फिर सिचुएशन के हिसाब से मैं बात करूँ तो ये हटने की पॉसिबिलिटी बहुत है। उसके अलावा हम लोग ने कुछ टॉपिक पर बात की, जैसे कि मीरा रोड डज नॉट हैव वेस्ट। येस, इट हैज़ वेस्ट, बट उसका उतना अपीयरेंस नहीं रहा है रेसिडेंशियल एरियाज़ में, यानी कि रेसिडेंस वहाँ पर नहीं है। मीरा रोड डज नॉट हैव नेसेसरी फैसिलिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी और भरपूर मात्रा में मिलेगी। सो आज के हम लोग जो टॉपिक है वो है प्राइजेज एंड डिफरेंसेज। सबसे पहला टॉपिक है प्राइजेज एंड डिफरेंसेज, क्या प्राइस में डिफरेंसेज आए हैं मीरा रोड में, पहले क्या थे अब क्या हैं। तो आप जैसे देखते हैं मुंबई साइड में ड्रामेटिक चेंज आपको देखने को मिलता है प्राइस में, बट मीरा रोड में आपको उतना चेंज नहीं देखने को मिलता है ऐसा आप की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हो सकता है मे बी, बट मीरा रोड में प्राइस डिफरेंसेस बहुत आए हैं अगर आप मेरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो। इवन गूगल पे भी सर्च मारेंगे, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ उस तरह से, तो आपको मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर कैसा है कि मीरा रोड में अगर आप 2005 के पहले का डेटा देखते हैं या फिर 2005 तक का डेटा देखते हैं तो उसमें आपको 800 टू 1500 तक का रेट पर स्क्वायर फीट देखने को मिलता है, विच इज़ लाइक कि आपको 10 लाख के आसपास में या फिर 15 लाख के आसपास में 1 BHK फ्लैट आराम से मिल जाता था 2005 से पहले। बट उसके बाद धीरे धीरे मीरा रोड में चेंजेस हुए, डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें बदली, अब यहाँ पर आपको प्राइजेस डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब प्राइजेस डिफरेंसेस क्या देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर आपको 2018 की अगर मैं बात करूँ तो 8000 तक का प्राइस, 7 to 8000 तक का प्राइस आपको देखने को मिलता था पर स्क्वायर फीट। एंड अभी की बात करूँ तो आज की डेट में यहाँ पर 12000 तक का, मतलब 10 से 12000 तक का रेट मिनिमम देखने को मिलता है। अलग अलग प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है दोस्तों, दिस इज़ नॉट लाइक कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मैं एवरेज रेट बता रहा हूँ, विच इज़ लाइक 10 to 12000 का रेट एवरेज चल रहा है। आप सर्टेन एरियाज़ में देखेंगे 10 to 12000 के रेट में आपको देखने को मिलता है, सर्टेन एरियाज़ में आपको मीरा रोड के ही सर्टेन एरियाज़ में आपको 12 to 15 तक का भी रेट देखने को मिलेगा, इवन मोर देन दैट देखने को मिल सकता है। रीज़न सिर्फ इतना है कि प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी क्या है, प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या है, प्रोजेक्ट में फैसिलिटीज़ क्या है, बिल्डिंग कैसी है, नई है, पुरानी है, बिल्डर के पास है, किसके पास है, वो सारी चीज़ों से प्राइस डिसाइड होते हैं। बट एवरेज रेट आपको अगर रीसेल में जाते हैं तो 10 to 12000 या फिर उसके आसपास में आपको देखने को मिलेगा पर स्क्वायर फीट। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं नए प्रोजेक्ट की तो नए प्रोजेक्ट में 12000 एंड अबव तक का रेट देखने को मिलता है, विच इज़ वेल सफिशिएंट, एमिनिटीज़ के हिसाब से भी ठीक है और रहने के हिसाब से भी, विच इज़ नाइस, कनेक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो प्राइस डिफरेंसेस हुए हैं और बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो आई फील कि इतना रिटर्न अगर किसी ने बहुत पहले लिया है फ्लैट, 10 साल पहले लिया, तो उसको रिटर्न डेफिनेटली बहुत सारा मिला होगा, अच्छा रिटर्न मिला होगा, 100% रिटर्न। तो रिटर्न के ऊपर मैं अगर आपको प्रॉपर
ये चाहिए, लिंक चाहिए जिस पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाए, न्यूज़ लिंक या फिर कुछ प्रॉपर रिसर्च लिंक, तो मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया। दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक दोस्तों, इस पर मैं थोड़ा क्लियरली बात करूँगा। मीरा रोड बहुत सारे लोगों को लगता है, साउथ बॉम्बे में जो रहते हैं या फिर NRI जो लोग रहते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, वो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे बोलते हैं दिस इज़ अ कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया, मतलब यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तादाद बहुत देखने को मिलती है। ऐसा मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर अलग अलग लोकेशन में अलग अलग तरीके की कम्युनिटी देखने को मिलेगी, विच इज़ लाइक दिस इज़ अ कॉस्मो एरिया। यहाँ पर आपको बहुत सारे तरह की कम्युनिटी देखने को मिलेंगी, 60-70% तक का कम्युनिटी आपको हिंदू का देखने को मिलता है, उसके अलावा 20-30% तक का मुस्लिम्स देखने को मिलता है, फिर उसके अलावा आपको अलग अलग कम्युनिटी देखने को मिलती है, पारसी देखने को मिलता है, गुजराती, मारवाड़ी, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आपको गुजराती मारवाड़ी देखने को मिलेंगे मीरा रोड में। उसके अलावा आपको स्पेशली रियल इस्टेट साइड में, रियल इस्टेट में जो जो काम करते हैं उसमें भी आपको गुजराती मारवाड़ी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपको अलग अलग कम्युनिटी देखने को मिलती है, इट इज़ मिक्स कम्युनिटी एरिया, सो यहाँ पर अच्छी खासी आपको कम्युनिटी देखने को मिलती है। इट इज़ नॉट अ डोमिनेटेड एरिया एंड इट इज़ टोटली अ मिथ, ऐसा अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी भरा गया है कि यहाँ पर कोई कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इशूज़ हैं, तो ये प्रॉपरली मिथ है। अगर आप कोई भी न्यूज़ उठाएंगे, कोई भी रिसर्च उठाएंगे, तो आपको ये चीज़ें क्लियरली पता चल जाएंगी, यहाँ पर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। चीज़ें आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसी भरी हैं या फिर कुछ ऐसे डाली गई हैं, अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए उस बात पर, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू एज मच एज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है नॉट डेवलप्ड एंड लेट डेवलप्ड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मीरा रोड इज़ नॉट डेवलप्ड एरिया, सो इट इज़ टोटली अ मिथ, इट इज़ नॉट डेवलप्ड, ये ऐसा कहना बहुत गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप एक सही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेट डेवलप्ड। मीरा रोड बहुत लेट डेवलप हुआ है, ये कहना ज़्यादा सही होगा नॉट डेवलप के मुकाबले। बिकॉज क्या है कि इससे पहले आप देखेंगे कि मीरा भाईंदर डेवलप हो चुका था, दहीसर डेवलप हो चुका था, मीरा रोड बाद में डेवलप हुआ, इसके फ़ायदे भी हुए मीरा रोड को। रीज़न क्या है मीरा रोड के लेट डेवलप होने का, अब यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर माउंटेन और फॉरेस्ट एरिया था, यहाँ पर जब डेवलपमेंट चालू हुआ तो आपको एक फ़ायदा देखने को मिला कि रोड्स के जो लाइन बिछे वो बड़े लेवल पे बिछे, मतलब कि आपको रोड्स के लेंथ बड़ी देखने को मिलती है एंड कनेक्टिविटी बहुत सिंपल देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको जिस तरह से इसे डिज़ाइन किया है चौकोन शेप में, मतलब चार कोने से, उस हिसाब से दिस इज़ वेरी नाइस। एंड रही बात आप इवन रोड्स की जो लेंथ मुझे क्यों पसंद आती है, दहीसर और भाईंदर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो बहुत पहले डेवलप हुए थे और छोटे छोटे रोड्स हैं, एंड जब आप एंटर करते हैं अप्रोच देखते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ती है। बट यहाँ पर अगर आप साइड में पार्किंग भी करते हैं तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपकी गाड़ी टो होगी, बट होंगे, चांसेस होंगे, बिकॉज हो सकती है अगर आप रोड के साइड में पार्किंग करते हैं तो ऐसे चांसेस होंगे जहां पर आपकी गाड़ी टो हो सकती है, बट चांसेस बहुत कम होंगे बिकॉज रोड की लेंथ बहुत अच्छी है और फ्लो यहां पर अच्छा है, ट्रैफिक आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट मिलेगा बिकॉज ट्रैफिक इज़ लाइक इट इज़ अ मूविंग फैक्टर जिसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। सो इट इज़ लेट डेवलप्ड, इसके फ़ायदे ये हुए हैं कि यहां पर आपको स्लम एरिया बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे जब मीरा रोड डेवलप होना शुरू हुआ था तो उस टाइम पे बिल्डिंग का बनाने का ऑप्शंस चालू हो गया था गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट स्लम के बदले या फिर प्रॉपरली बिल्डिंग बनाने के लिए प्रमोट कर रही थी उस टाइम पे, तो बिल्डिंग बनाने के लिए प्रॉपरली प्रमोशन होने की वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादातर बिल्डिंग देखने को मिलती है, ना कि स्लम। यहाँ पूरे एरिया में आपको ज़्यादातर बिल्डिंग्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, भले ही 3 माले की बिल्डिंग होगी, 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग देखने को मिलेगी, बट आपको स्लम एरिया बहुत कम या फिर ना के बराबर देखने को मिलेंगे मीरा रोड लोकेशन में। सो लेट डेवलप होने का ये फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो इट डज़ नॉट हैव अ गुड रेसिडेंशियल ऑप्शंस, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के ऑप्शंस आपको मीरा रोड लोकेशन में नहीं मिलते हैं, ऐसा एक मिथ है। अब इस बारे में मैं अगर आपसे बोलूं तो ये पूरी तरह से गलत है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, रीसेल में भी ऑप्शन मिल जाएंगे और नए में भी ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं ये बात को डिनाई नहीं करता कि आप जो ऑप्शन देख रहे हैं उस ऑप्शन में आपको अच्छे बुरे मिल सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये आपके सैम्पल पर डिपेंड करता है। किसी भी
सर्वे में अगर आप सैंपल गलत ले रहे हैं तो आपको डेफिनेटली गलत तरीके से वो प्रेजेंट हुआ है, बट यहाँ पर ऑप्शंस आपको अच्छे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर रीसेल के बिल्डिंग देखेंगे तो वहाँ पर कारपेट एरिया आपको बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं, नए बिल्डिंग्स में देखेंगे तो कारपेट एरिया थोड़े छोटे मिलते हैं, बट एमिनिटीज़ और उसे फैसिलिटीज़ के साथ इतना अच्छे से डिज़ाइन किया कि आपको रहने के हिसाब से वो बहुत अच्छा लगता है। और मीरा रोड के हिसाब से अगर मैं बोलूँ कारपेट एरिया, तो आपको बॉम्बे साइड में आपको कारपेट एरिया उतना देखने को नहीं मिलता। बॉम्बे साइड में आपको अप्रॉक्स कारपेट देखने को मिलेगा 400 फॉर 1 BHK फ्लैट, 450 मैक्स कारपेट एरिया, उससे भी गया तो 500, बट वो प्रीमियम में चले जाएगा और उसका प्राइस और भी प्रीमियम लेंगे। बट यहाँ पर आपको 450 का कारपेट एरिया मिनिमम देखने को मिलता है, बालकनी के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, सनडेक के मैक्सिमम ऑप्शंस यहाँ पर चालू होते हैं। तो आपको डेक वाले अगर फ्लैट पसंद हैं, आपको प्राइसिंग के हिसाब से भी अगर कम प्राइस में फ्लैट चाहिए, बॉम्बे के पास में चाहिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और रही बात रेसिडेंशियल ऑप्शंस की, तो यहाँ पर 4 से 5 नामी प्रोजेक्ट्स हैं और आपको लोकल प्रोजेक्ट्स में भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, विच इज़ लाइक कि रहने के हिसाब से विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरिया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ नामी प्रोजेक्ट्स में, तो एक है JP इंफ्रा का प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी फेमस फॉर देयर टाउनशिप, एम्यूनिटीज़ के मामले में भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज आपको मिल सकते हैं, बट इट इज़ वन ऑफ दी ओवरऑल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, मिक्स रिव्यू आपको मिलेंगे हर प्रोजेक्ट में। रही बात एक प्रोजेक्ट है MICL प्रोजेक्ट में भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है, जब आप आते हैं अप्रोच बड़ा अच्छा लगता है। ठाकुर मॉल के पीछे साइड में है आराध्या हाई पार्क नाम से, आराध्या पार्कवुड करके और एक टाउनशिप बना रहे, तो ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। MICL मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है, उसके अलावा सृष्टि कल्पतरु का प्रोजेक्ट है, ये जो डेवलप कर रहे हैं सृष्टि एरिया में भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के जस्ट बगल में। बड़ा प्रोजेक्ट कहने मतलब अगर मैं बड़ा प्रोजेक्ट का नाम लेता हूँ तो इसका नाम मैं ज़रूर लूँगा, सृष्टि का प्रोजेक्ट, एंड इसमें भी आपको 10 से 15 बिल्डिंग मिनिमम देखने को मिलती हैं, विच इज़ वन ऑफ द बिग प्रोजेक्ट। एंड उसके अलावा छेड़ा करके एक बिल्डर हैं जिनका एक प्रोजेक्ट है, आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा लोकल बिल्डर में भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे जो नए में है। रीसेल में भी आप देखने जाएंगे तो इंद्रप्रस्थ एक नामी प्रोजेक्ट है जो कि बहुत फेमस रहा मीरा रोड में और आज की डेट में भी जन्नत जैसा फील देता है अगर आप पर्सनली रहते हैं उसमें, तो कारपेट एरिया के मामले में बहुत सही है, प्राइसेस थोड़े हायर हैं बट प्रीमियम है। उसके अलावा नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का, नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। मीरा रोड जो लोकेशन है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि इट इज़ नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, रिटर्न उतना आएगा नहीं, टाउनशिप में इन्वेस्ट करेंगे उसमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये अब जब मैं ओवरऑल मीरा रोड की बात करता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरिया टू इन्वेस्ट इन, बिकॉज प्राइजेस कम है आज की डेट में, मैं पैसे डालूंगा तो मुझे रिटर्न आने के चांसेस हैं। अब वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि कितना रिटर्न आएगा। अब यहाँ पर कैसा होगा कि मैं ओवरऑल टर्म्स में बात करता हूँ तो मुझे चांसेस कहाँ कहाँ दिखते हैं। यहाँ पर टोल नाका एक एक्सपेक्टेड है कि शिफ्ट हो सकता है, बट उसके कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है तो उस बेसिस पे भी है। अगर वो शिफ्ट होता है तो उस बेसिस पे भी अज्यूम किया जा सकता है कि अगर आगे आने वाले 5 सालों में अगर वो शिफ्ट होता है तो उससे भी प्राइजेस रेज हो सकते हैं। दूसरा एक है मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के प्रॉपर क्लियर कट इंडिकेशन आपको देखने को मिलते हैं, काम पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट, आपको पूरे मेट्रो की लाइन देखने को मिलती है और ये जिस दिन चालू होगा उस दिन भी आपको प्राइसेस में बहुत अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिलता है मीरा रोड लोकेशन में। दहीसर से ज़्यादा इंक्रीज़ प्राइस, जो इंक्रीजिंग रेशियो देखने को मिलता है ना आपको, वो मीरा रोड लोकेशन का देखने को मिलता है। एक चीज़ बहुत अच्छी है मीरा रोड लोकेशन की, आपको यहाँ पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, आज की डेट में नहीं देखने को मिलते हैं, आगे चल के देखने को मिल सकते हैं, बट आज की डेट में आपको रीडेवलपमेंट के ना के बराबर प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। जबकि आपको दहीसर, बोरीवली, अंधेरी और आगे के कहीं भी प्रोजेक्ट जाइए, आपको सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे यहाँ पर, आपको जो भी दिखेगा फ्री होल्ड लैंड दिखता है और आराम से आपका प्रोजेक्ट में घर ले सकते हो कोई प्रॉब्लम के बिना। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है मीरा रोड लोकेशन की। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहली चीज़ तुलनाके का एक मैंने बताया, एक आपको मेट्रो लाइन का मैंने बताया, कनेक्टिविटी के मामले में इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ इजीली कनेक्टेड टू बॉम्बे, इजीली कनेक्टेड टू एवरीवेयर, इट हैज़ अ गुड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे रिटर्न, तो रेंट के हिसाब से भी आपको कुछ कुछ प्रोजेक्ट में 25-30,000 तक का रेंट मिल जाता है फॉर 2 BHK फ्लैट, फॉर 1 BHK 20-21,000 तक का रेंट मिल जाता है। और अगर आप रिटर्न की बात करें तो आपको
एवरी ईयर 10% to 15% तक का रिटर्न मिनिमम देखने को मिलता है पूरे मीरा रोड लोकेशन में, अगर प्रॉपर्टी वाइज बात करेंगे. बट स्टिल आई सजेस्ट टू गो फॉर अ न्यू प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ बाइंग ओल्ड वन, बिकॉज जितना टाइम आपका टेन्योर जाएगा उतना प्रॉपर्टी वो ओल्ड होते जाएगा, आपके लिए मेंटेनेंस के लिए वो थोड़ा प्रॉब्लम देता है. तो इट इज़ बेटर कि गो फॉर अ न्यू वन एंड फिर उसके बाद उसके ऊपर रिटर्न कमाइए. अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, पूरे वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. कोई क्वेश्चन है, डाउट है, डू लेट मी नो. एंड अगर कुछ छूट गया हो या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन गई हो मेरे थ्रू आज की वीडियो में, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, तो आई कैन करेक्ट ऑन दैट पार्ट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.